अच्छा 15 अक्टूबर, और देखेंगे 15 अक्टूबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो एक सरल ऐप आया हुआ है, इसमें महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो सरल ऐप का यूजर आईडी और पासवर्ड देखने के लिए, छात्र की कक्षा को बदलने के लिए यूजर मैनुअल को आप देख सकते हैं। ये यूजर मैनुअल आपको हम पूरा दिखाएंगे, और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि यहाँ सर प्ले स्टोर पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप सर्च करिएगा सरल ऐप, तो वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको ले चलते हैं यूजर आईडी सरल ऐप की जो है इंस्ट्रक्शन बुक, उसको दिखाते हैं पीडीएफ में। तो यहाँ पर जब आप सरल ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद में सरल ऐप यूजर आईडी और पासवर्ड को कहाँ से आप लेके आएंगे, तो सर्वप्रथम प्रेरणा UP.in पर अध्यापक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। जब आप यहाँ से लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आपको यूजर मोबाइल नंबर जो होगा वो यूजर नाम के रूप में कार्य करेगा। तो सरल ऐप यूजर आईडी और पासवर्ड आपको यहीं से मिल जाएगा, यानी कि प्रेरणा पोर्टल से। यहाँ पर अध्यापक के द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करते ही अध्यापक के स्कूल का नाम, UDIS कोड, अध्यापक का नाम, मोबाइल नंबर के साथ साथ सरल ऐप का लॉगिन आईडी भी प्रदर्शित होगा। तो जो लॉगिन आईडी प्रदर्शित होगा उसे आप नोट कर लीजिएगा और उसी का यूज करके इस सरल ऐप को आप ओपन कर सकते हैं। तो छात्र की कक्षा को यहाँ से बदलने का ऑप्शन आता है, तो छात्र की कक्षा को भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यदि कोई छात्र में ऐसी प्रॉब्लम है, एडिट क्लास यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर एडिट क्लास का ऑप्शन आ रहा है। प्रेरणा पोर्टल पर अध्यापक की लॉगिन करने के पश्चात यदि किसी छात्र की कक्षा को बदलना चाहते हैं तो लिस्ट में छात्र के नाम के सबसे आखिरी में एडिट क्लास का बटन दिया गया है। यहाँ से आप क्लास वाइज बच्चों को देख सकते हैं, जिसकी क्लास की एडिटिंग करनी है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर कंपोजिट विद्यालय है वहाँ पर 1 से 8 तक के क्लास शो होंगे, जहाँ पर प्राइमरी स्कूल है वहाँ से तक के विद्यालय शो होंगे। तो इस प्रकार से ये सरल ऐप कार्य करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि कुछ शिक्षाविद और शिक्षकों का मानदेय वेतन बाधित कर दिया गया है, तो यहाँ पर ये आदेश भी निकाल दिया गया है। ये प्रतापगढ़ का मैटर है, तो यहाँ पर एक लिस्ट भी जारी की गई है जहाँ पर इन इन टीचरों और शिक्षा मित्रों का वेतन बाधित किया गया है।